हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, टीएनपी द्वारा यूपीटेट 2018 की ऑफिशियल की को अपलोड कर दिए गए। दोस्तों, उस आंसर की केस में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विवादित हैं। दोस्तों, उनके कुछ क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर हैं या कुछ क्वेश्चंस के ऐसे आंसर हैं जो गलत दिए गए हैं। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कुछ क्वेश्चंस कम होने की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या लगभग लगभग क्वालिफाई हो सकते हैं, तो दोस्तों उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी संशोधित हो सकते हैं। तो करीब 7 या 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी संशोधित हो सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन बुकलेट है वो उसका बी सीरीज है, उसमें से देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पोर्शन था वो था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस थे विवादित वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सेकेंड ऑप्शन, सामान्य और विशिष्ट छात्र। सामान्य और विशिष्ट छात्र, जबकि पीएनपी द्वारा इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया फर्स्ट ऑप्शन, केवल विशिष्ट छात्र, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सेकंड ऑप्शन, सामान्य और विशिष्ट छात्र। दोस्तों हमारे पास एक बुक है, उसमें भी दिया गया हुआ है कि जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें एक ही विद्यालय में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। स्पष्ट दिया गया है कि एक ही विद्यालय में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्था की जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए, जबकि जो पीएनपी ने इसका आंसर दिया है वो दिया है फर्स्ट ऑप्शन, केवल विशिष्ट छात्र, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन इसी में है दोस्तों। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 4 ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं था, जबकि पीएनपी ने इसका जो करेक्ट आंसर बताया वो बताया थर्ड ऑप्शन, एबिंगहॉस, जो कि गलत है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गेट्स। ये जो कथन दिया गया था वो दिया गया था गेट्स के अनुसार। देख लेते हैं, जैसे जो मैंने सर्च कराया सीखने के वक्र, ये मैंने विकिपीडिया पर सर्च कराया तो मुझे यहाँ से ये मिला है। तो उसमें ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि ये जो कथन है वो गेट्स के अनुसार, मतलब गेट्स ने ये दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये कहा है गेट्स ने। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गेट्स होगा, जबकि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। इसमें जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है पीएनपी के द्वारा सेकंड ऑप्शन, नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन। लेकिन दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है उनमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो नैमित्तिक अनुबंधन वाला ये भी करेक्ट है, और इसके अलावा जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन होता है उसी को हम लोग प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जबकि पीएनपी के द्वारा केवल सेकंड ऑप्शन को बताया गया है। तो ये भी विवादित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। एक क्वेश्चन था आपका, जो हिंदी का पोर्शन था उसमें जो पैसेज आया हुआ था, पैसेज में एक क्वेश्चन था, संप्रेषण कला क्या नहीं है। संप्रेषण कला क्या नहीं है। दोस्तों, पीएनपी के द्वारा इसमें जो आंसर दिया गया है वो दिया गया था 4th ऑप्शन, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सेकंड ऑप्शन, अलंकरण का जो करेक्ट आंसर है वो है अलंकरण। तो ये भी क्वेश्चन विवादित है दोस्तों। अगला इसी में इसी पैसेज से क्वेश्चन और था, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। दोस्तों, जैसा कि जो पैसेज है, पैसेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभ्यास, का जो करेक्ट आंसर है वो है अभ्यास। लेकिन जो पीएनपी के द्वारा आंसर दिया गया है वो 4th ऑप्शन दिया गया है, विषय की अच्छी पकड़, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभ्यास। तो ये भी क्वेश्चन विवादित है, इस पर भी हो सकता संशोधन हो। ऐसे एक अगला क्वेश्चन था हिंदी में ही, मेरी भाव बाधा आरो राधा नागरी सोए, जातन की यहाँ पर है श्याम हरित दुति हुए। दोस्तों, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, पीएनपी के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया वो दिया गया है श्लेष अलंकार, जबकि दोस्तों इन पंक्तियों में, इस दोहे में जो अलंकार है वो दो है, एक तो श्लेष अलंकार है, इसके अलावा इसमें अनियोक्ति अलंकार भी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सही है, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। तो इसके जो ऑप्शन सही है वो दोनों ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार और अनियोक्ति अलंकार, जबकि पीएनपी के द्वारा जो आंसर दिया गया वो दिया गया है श्लेष अलंकार। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन विवादित है, इस पर भी हो सकता संशोधन पॉसिबल हो। ऐसी दोस्तों एक अगला क्वेश्चन हिंदी में ही है। अगला क्वेश्चन था,
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दोस्तों इसमें जो पीएनपी के द्वारा आंसर दिया गया है वो दिया गया है ब्रह्मणी ब्रह्मणी। जबकि दोस्तों इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक तो ब्रह्मणी शब्द ये गलत है और एक थर्ड ऑप्शन जो था ग्रहणी ये भी गलत है, ये भी तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन अशुद्ध हैं। तो इसके जो आंसर होने चाहिए वो दोनों हो सकते हैं कि पीएनपी के द्वारा इसे ग्रहणी को बताया गया। तो यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है वो विवादित है। तो दोस्तों ये देखो, जैसा कि दोस्तों ये मैंने अभी नेट पे निकाला हुआ है गूगल से, तो इसमें इस पर दिखाई दे रहा है कि जो ग्रहणी है यहाँ पर वो अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि ये जो ग्रहणी है ये करेक्ट है। ऐसे ही जो ग्रहणी होता है वो इस तरीके से शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है ये अशुद्ध है। इसके जो करेक्ट आंसर हो सकते हैं वो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, जबकि पीएनपी के द्वारा इसे करेक्ट बताया गया है। तो ये भी विवादित क्वेश्चन है और ये भी संशोधित हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो विवादित हैं और इनके संशोधन होने की और ये संशोधित हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।